सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज 11 पीसी या लैपटॉप में जो है आपके ऑडियो सेटिंग्स को जो है कैसे रिसेट करते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग्स में हम जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक केयरफुली जो है वॉच कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है आपकी विंडोज सेटिंग्स को ओपन करना है। ये शॉर्टकट की यूज कीजिए विंडोज सेटिंग्स को ओपन करने के लिए। विंडोज की होल्ड कीजिए और आई प्रेस कीजिए। ये शॉर्टकट की मदद से आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। सेटिंग्स में यहाँ पे आपको साउंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके उसको ओपन कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको जो है वॉल्यूम मिक्सर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ओपन कीजिए इस तरीके से। और यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको रीसेट करना है तो रीसेट कर सकते हैं, इससे आपका वॉल्यूम मिक्सर जो है रीसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी मेथड्स हैं इसको रीसेट करने के लिए। आपके टास्क बार में आपको एक साउंड का आइकन मिल जाएगा आपके, उस पर क्लिक करके यहाँ से साउंड सेटिंग्स को ओपन कीजिए, ठीक है। साउंड सेटिंग्स में जो है यहाँ पे अब आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको मोर साउंड सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ओपन करना है, ठीक है। एक न्यू विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो है आपके स्पीकर हेडफोन्स मिल जाएंगे, उस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कीजिए और जाइए एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीस्टोर डिफॉल्ट्स, उस पर क्लिक कीजिए, अप्लाई पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको जो है स्पेशल साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको ओपन कीजिए और इसको भी जो है रिस्टोर टू डिफॉल्ट्स पे क्लिक कीजिए, अप्लाई पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और अब आपको जाना है आपके रिकॉर्डिंग डिवाइस में। अगर आपको आपके रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी जो है डिफॉल्ट सेट करना है तो सेम आपको यही प्रोसेस जो है फॉलो करना है। एडवांस में जाना है, रिस्टोर टू डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, डेट से। उसके बाद आप अपनी साउंड सेटिंग्स को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद अब आपको जो है आपके पीसी में डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है इस तरीके से। डिवाइस मैनेजर ओपन होने के बाद जो है दोस्तों अब यहाँ पे आपको जो है आपके ऑडियो के जो ड्राइवर रहते हैं उसको जो है रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको रीइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसको एक्सटेंड कीजिए और जो भी आपके ऑडियो ड्राइवर है उस पर राइट क्लिक कीजिए और अनइंस्टॉल डिवाइस पर क्लिक कीजिए और इसको जो है कंफर्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसको क्लोज कीजिए और उसके बाद स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पे जो है आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपना डिवाइस मैनेजर क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद अब आपको जो है आपके विंडोज आइडियोस के जो सर्विसेज रहते हैं उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको रीस्टार्ट करने के लिए विंडोज की प्रेस कीजिए, सर्विसेज जो है यहाँ पे आपको जो है टाइप करना है और उसको जो है ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको जो है विंडोज ऑडियो सर्च करना है और उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है रीस्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक मतलब आपका जो पीसी लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं उसको रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद अब आपका जो ऑडियो की जो सेटिंग्स है कम्प्लीटली जो है आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। अगर आपको ऑडियो सेटिंग्स को डिफॉल्ट सेट करना है तो आप ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। सारे मेथड्स आपको जो है एक एक करके ट्राई करना है। और एक भी इजी और सिंपल सोल्यूशन है इसको रीसेट करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह नहीं करना है तो आप जो है सिंपल से आप अपने विंडोज़ पीसी को जो है रीसेट कर सकते हैं। तो विंडोज़ को रीसेट करने के लिए विंडोज़ की प्रेस कीजिए और यहाँ पे जो है सर्च कीजिए रीसेट दिस पीसी और उसको जो है ओपन कीजिए। अगर आपको आपका पीसी रीसेट करना है तो यहाँ से आप इजीली उसको जो है रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको रीसेट करना नहीं है तो रीसेट करने से आपके जो भी डेटा वगैरह रहता है वो चला जाएगा। अगर आपको रीसेट करना नहीं है तो आप वो मेथड ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मेथड्स ट्राई करना नहीं है तो आप सिंपल से आप अपना पीसी को रीसेट कीजिए, डेट से। तो बस उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी सा शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड और भी कुछ डाउट्स है तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।